हे व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं रिव्यू शेयर करूंगी लोरियल के इस सीरम के बारे में, जो ब्राइटनिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा इसकी हाइप है कि पता नहीं क्या आपकी स्किन के ऊपर बूस्टिंग इफेक्ट देता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन ट्यूबलाइट की तरह वाइट हो जाती है। तो मैंने इसको यूज़ किया है, फुल बॉटल आपको नज़र आ रही है, टोटल एम्प्टी है। तो मैं इसको आपको बताती हूँ इसकी प्राइस, उसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट, कि स्किन वालों को इसको यूज़ हरगिज़ नहीं करना चाहिए। तमाम डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, सबसे पहले ये क्लेम कहता है कि इसमें हाइलूरोनिक एसिड मौजूद है जो आपकी स्किन को ब्राइट करता है। इसके अलावा स्किन का जो ऊपर वाली लेयर है उसको स्टोर करने में हेल्प करता है। जैसे जैसे एज आपकी बढ़ती है, आपकी स्किन को हाइलूरोनिक एसिड की ज़्यादा नीड होती है। हाइलूरोनिक एसिड एक न्यू चीज़ है जो मार्केट में 2 से 3 साल पहले ही डेवलप हुई है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स ने अपनी स्किन केयर के ऊपर एक मेंशन कर दिया है कि जी इसमें हाइलूरोनिक एसिड मौजूद है और ये आपकी स्किन को ब्राइट करता है। अच्छा ठीक है, अब हम ब्राइट करने वाली चीज़ को हम यूज़ कर लेते हैं फ़ौरन ही, कि ये हमारी स्किन के ऊपर बहुत ही कोई मैजिक काम करेगी, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो टोटल चेंज हो जाएगी और हमें जो है एक ब्राइट लुक देगी। ऐसा नहीं है, मैंने इस सीरम को यूज़ किया है, ये 1400 इसकी प्राइस है, और इसके अलावा ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करने के अलावा कुछ भी नहीं करता। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र अपनी स्किन के ऊपर डेली बेसिस पे यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली हेल्दी नज़र आएगी, बजाय इसके कि वो उस सीरम का या उस वो मॉइस्चराइज़र का इफ़ेक्ट नहीं होगा। वो आप अपनी स्किन को एक प्रॉपर मॉइस्चराइज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन हेल्दी नज़र आ रही है, आपकी स्किन पे झुर्रियाँ कम हो रही हैं, बिकॉज ऑफ आपने स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ रखा है। स्किन जैसे ही मॉइस्चराइज़ हमारी रहती है, हमारी स्किन की जो डलनेस है वो कम होती है, स्किन के ऊपर झुर्रियाँ आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्योंकि अच्छे से अगर आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ रखेंगे तो उसकी वजह से आपकी जो एजिंग साइन है वो कम हो जाएंगे। अब ये बोटल एम्प्टी क्यों है, इसकी भी मैं आपको रीज़न बता देती हूँ। मैंने जैसे ही इसको अपने फेस के ऊपर 3 से 4 दिन अप्लाई करती रही, मेरी स्किन के ऊपर थोड़े से पिंपल्स निकलना स्टार्ट हो गए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा है, जिसकी वजह से स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज तो हो जाती है लेकिन उसके ऊपर एक्स्ट्रा ऑयल रह जाता है, जिसकी वजह से एक्ने प्रोड्यूस होती है। क्योंकि गर्मियों के वेदर में हम लोग ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें उन्होंने भर भर के क्वान्टिटी ऐड की हुई है हाइलूरोनिक एसिड की, जिसको हम दूसरी ज़ुबान में कह सकते हैं कि इन्होंने इसमें भर भर के ऑयल डाला हुआ है, जिसकी वजह से हम लोगों की जो स्किन है वो मॉइस्चराइज तो हो जाती है बट ऑयल प्रोड्यूस करती है। क्योंकि ये मेरी स्किन के ऊपर ऑयल प्रोड्यूस कर रही थी, इसलिए मैंने इसका ज़्यादा रिस्क नहीं लिया और मैंने फ़ौरन स्टॉप कर दिया इसको अपने फेस के ऊपर यूज़ करना, और मैंने इसको अपनी हैंड पे यूज़ किया एज अ मॉइस्चराइज। अच्छा, जो लोग स्पॉन्सर वीडियो कर रहे हैं वो इसकी भर भर की तारीफ़ें कर रहे हैं, क्योंकि ख़रीदना जो है ना वो आवाम ने ख़रीदना है अपने पैसों से, और अगर आप जेन्युइन किसी का भी रिव्यू लेना तो आप 2-3 ऐसे यूट्यूबर्स का रिव्यू ले लिया करें जो एटलीस्ट स्पॉन्सर वीडियो ना कर रहे हो, ताकि आपके पैसे बच जाएँ। उन्होंने तो अपनी जो उनकी ड्यूटी होगी उन्होंने तो करनी है, फिर आपने अपने पैसे खर्च करने हैं और बाद में आपने कहना है जी इसका रिज़ल्ट कोई नहीं आया। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट लाजमी करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।